मानो या ना मानो, कुछ राज हमेशा राज ही बने रहते हैं। स्वागत है आपका WatchMojo.com इंडिया पर, और आज हमारे काउंटडाउन में हैं दुनिया के कुछ ऐसे लोग जो अपने साथ कुछ बहुत बड़े राज लेकर मर गए। इस लिस्ट में हम उन हस्तियों के बारे में बात करेंगे जो अपने साथ कुछ निजी या कुछ वैज्ञानिक राज लेकर इस दुनिया से चले गए। नंबर 10, बेंजामिन फ्रैंकलिन। संशोधन की दुनिया का मशहूर नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी निजी जिंदगी में काफी रंगीन मिजाज के थे। You're very saucy. नंबर 9, कैप्टन विलियम थॉम्पसन। 1820 में पेरू में आजादी की लड़ाई चल रही थी। लीमा शहर को खुद को और अपने बचे हुए पैसों को इससे बचाना था, इसीलिए उन्होंने मेक्सिको में जाकर बसने की ठानी। कैप्टन विलियम थॉम्पसन और उनके कर्मचारियों ने कुल $208 मिलियन का खजाना मेक्सिको में लाया, पर उनकी नीयत पलट गई और उन्होंने अपने साथ वाले पहरेदारों को प्रीस्ट को मार दिया और खजाना लूट लिया। Never. उस इलाके को आज कोस्टा रिका के नाम से जाना जाता है। थॉम्पसन और उसके साथी को जिंदा रहने के लिए खजाने का पता स्पैनिश आर्मी को बताना था। इसके लिए उन्हें आइलैंड पर भी ले जाया गया, पर वो वहाँ से बड़ी ही चालाकी से भाग गए और उसके बाद किसी को नहीं दिखे, पर वो जाते जाते अपने साथ खजाने का राज भी लेकर चले गए। नंबर 8, मॉरिस वार्ड। 1980 में एक्स हेयर ड्रेसर मॉरिस वार्ड ने कुछ ऐसा संशोधन किया जिससे पूरी दुनिया बदल गई। मैनचेस्टर एयर क्रैश के बाद वार्ड ने ठाना कि वो हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक बनाएंगे जो बिल्कुल भी जहरीला नहीं होगा। इस कार्य में उन्होंने पहले बड़े ही उम्दा मटेरियल तैयार किए जो गर्मी को काफी हद तक कम रखता था। इस मटेरियल के फॉर्मूला को जानने के लिए काफी कंपनीज ने उन्हें अच्छा मुआवजा देने की कही, पर वार्ड ने इसे बेचने से मना कर दिया। उनका विश्वास था स्टारलाइट काफी मूल्यवान होगा। 2011 में उनका देहांत हो गया, पर वो अपना फॉर्मूला अपने साथ ही ले गए। यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चों को भी स्टारलाइट का फॉर्मूला पता नहीं था और स्टारलाइट रहस्य के अंधेरे में गुम हो गया। नंबर 7, योहान बेसलर। बहुत से वैज्ञानिकों ने एक शाश्वत मोशन मशीन बनाने का प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो पाए। 100 साल पहले योहान बेसलर, जिन्हें ऑर्फेरियस भी कहा जाता है, ने भी ऐसा ही एक प्रयास किया था जो सफलता के कगार पर था, ऐसा उनका कहना था। 1712 में जर्मन वैज्ञानिक ने एक खुद से घूमने वाला चक्का बनाया जो वजन उठाकर कहीं दूर तक जा सकता था। 1717 तक ये खबर जोरों शोरों से फैली, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा गया। यूँ कहा गया है कि बेसलर का वो चक्का 54 दिनों तक घूमता रहा, वो भी बिना किसी ऊर्जा शक्ति से। हालांकि अपने अजीब बर्ताव के लिए जाने जाने वाले बेसलर ने खुद की ही बनाई हुई मशीन खत्म कर दी। नंबर 6, पोप जॉन पॉल II। कैथोलिक चर्च में पोप अपने कार्डिनल्स को चुनते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है कि किसी कार्डिनल को पेक्टोरे का दर्जा मिले। पेक्टोरे का मतलब है दिल के करीब रहने वाला। पोप उन्हें गुप्त तरीके से एक नाम देते हैं, पर पोप के इस तरीके पर शत्रु राष्ट्र से सवाल उठाया गया क्योंकि ये तरीका काफी धोखादायक हो सकता था। पोप जॉन पॉल II के कार्यकाल में चाइना, यूक्रेन और लैटवा से पेक्टोरे कार्डिनल्स चुने गए थे, जिसका खुलासा आम जनता को किया गया। चौथे पेक्टोरे कार्डिनल भी चुना गया था, पर उस नाम का खुलासा होने से पहले पोप जॉन पॉल II की मौत हो गई। आखिर में कार्डिनल का कार्यकाल खत्म हो गया और वो नाम भी राज ही रह गया। नंबर 5, लुडविग वैन बीथोवन। 1827 में मशहूर गीतकार लुडविग वैन बीथोवन की मौत हो गई। उनके मरने के बाद इमॉर्टल बिलोवेड नाम से एक प्रेम पत्र मिला। My immortal beloved, Saint Ludwig von Beethoven. बीथोवन ने 10 पन्ने का प्रेम पत्र 1812 में लिखा था, पर जिनके लिए ये प्रेम पत्र लिखा गया उनका नाम इसमें मौजूद नहीं था। कौन थी वो? कुछ लोगों का कहना था कि वो एंटोनी ब्रिंटानो रही होगी, क्योंकि उनके पति और लुडविग अच्छे मित्र थे, पर कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जोसेफ
जोसेफिन काउंटेस वॉन ब्रंसविक भी हो सकती हैं। बेथोवन ने काफी प्रेम पत्र लिखे पर समाज के डर की वजह से वो अपने रिश्ते के बारे में कुछ बोल नहीं पाए। कई लोगों ने अलग अलग अनुमान लगाया पर सच सिर्फ बेथोवन को पता था। नंबर 4, एंटोनियो स्ट्राडिवारी। अपनी खास कला के लिए दुनिया भर में मशहूर एंटोनियो स्ट्राडिवारी का कोई तोड़ नहीं। ये इटालियन कलाकार संगीत के वाद्य बनाने के लिए जाना जाता था। और उसकी खासियत थी वायलिंस, जिसकी आवाज एकदम सही और मधुर होती थी। पर उन्होंने ये सारे वाद्य बनाए कैसे, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से उनकी तकनीक को जान पाना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वाद्य का आकार और उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लू, वार्निश, रेजिन उसकी खासियत है, जिसको बाकी लोग बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बना नहीं पाए। स्ट्राडिवारी ने लगभग 1100 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, जिनमें से 650 अभी भी हैं और उनकी कीमत आसमान छूती है। Show me to the Strad. They all look the same to me. But they're not. नंबर 3, आर्न वर्लिंग। इस कोड क्रैकर का जवाब नहीं। 1940 में जर्मनी की नजर नॉर्वे को पाने की थी और एक तरफ रशिया फिनलैंड को पाना चाहता था। स्वीडन के लोग इन दोनों की लड़ाई में फंसते चले जा रहे थे और वो खतरे में थे। जर्मन सीमेंस एंड हॉल्स के T-52 के टेली टाइपराइटर को सुनने के बाद उन्होंने उस कोड को क्रैक करने की बहुत कोशिश की, पर वो कोड इतना कठिन था कि कोई उसे क्रैक नहीं कर पाया। बस उसके कुछ ही हफ्ते बाद मैथमेटिशियन आर्न वर्लिंग ने इस सबसे कठिन कोड को सिर्फ पेन और पेपर की सहायता से क्रैक कर दिया। उन्होंने सिर्फ कोड ही क्रैक नहीं किया बल्कि स्वीडन को एक कोड पढ़ने वाली एक मशीन भी बना दी। पर उन्होंने ये सब कैसे किया ये नहीं बताया और वो अब भी एक राज ही है। नंबर 2, जेरोम ऑफ सैंडी को। ये आदमी किसी रहस्य से कम नहीं था। ये नोवा स्कोशिया के समुन्दर किनारे पर मिला था पर सर पर लगी चोट की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता था। जब उसे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम जेरोम बताया था। इतना ही नहीं, उसके दोनों पैर घुटनों से टूटे हुए थे और उन्हें कपड़े से बांधा हुआ था। कुछ लोगों को शक था कि वो एक नौ सैनिक था जिसे उसके बगावत के चलते ये सजा मिली थी और एक इतिहासकार ने उसे एक कहानी बना दी जिसमें कहा गया कि वो एक यूरोपियन आदमी था जिसे न्यू ब्रंसविक शहर में गैंग्रीन हो गया था। वो एक शहर से दूसरे शहर जाता रहा और 1912 में उसकी मौत हो गई। इससे पहले कि हम पहले पायदान पर पहुँचे, आइए देखते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस। निकोला टेस्ला। संशोधक और इंजीनियर निकोला टेस्ला दुनिया को वायरलेस सर्विस देकर सब कुछ बदल देना चाहते थे। जेपी मॉर्गन के फाइनेंस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वार्डन क्लिफ टावर बनाना था ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके, पर मीडिया और इन्वेस्टर्स ने उन पर अविश्वास दिखाया, जिसकी वजह से जेपी मॉर्गन ने भी उन्हें फंड देने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि निकोला का ये प्रोजेक्ट पैसा न होने की वजह से शुरू ही नहीं हो पाया। 1943 में जब उनकी मौत हुई तब उनके साथ दुनिया को वायरलेस बनाने का प्लान भी उनके साथ चला गया। क्या आप हमारे लिस्ट से सहमत हैं? क्या आप ऐसी हस्तियों के बारे में जानते हो जो ऐसे ही राज के साथ चले गए? ऐसे ही टॉप 10 वीडियोस के लिए watchmojo.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।